Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का इन दिनों तमाम नेताओं से मिलने का दौर जारी है और इन मुलाकातों की कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की जोन वाइज समीक्षा बैठकें चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य भी अलग अलग इलाकों के नेताओं विधायकों से मिल रहे हैं। सीएम और डिप्टी सीएम की ये मुलाकातें काफी सुर्खियां भी बटोर रही हैं। इसी बीच खबर है कि सीएम योगी ने अपना दल कमेरावादी की नेता और विधायक पल्लवी पटेल से मुलाकात की है। क्या है इस मुलाकात के मायने, चलिए आपको बताते हैं। सिराथू से विधायक और अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। ये मुलाकात 24 जुलाई यानी बीते बुधवार को हुई। करीब आधे घंटे तक चली ये मुलाकात सीएम योगी के आवास पर 5 कालिदास मार्ग पर हुई। पल्लवी पटेल और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की खबर के बाद सूबे की सियासत में हलचल तेज है। इसका कारण ये है कि मुलाकात अब एक ऐसे वक्त पर हुई है जब बीजेपी में समीक्षा का दौर जारी है, वहीं अंदर खाने से सब कुछ ठीक ना होने के भी कयास सियासी गलियारों में है। हालांकि इस मुलाकात को यूं तो शिष्टाचार भेंट का नाम दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि पल्लवी पटेल ने उनके क्षेत्र सिराथू से जुड़े मुद्दों को लेकर सीएम योगी से मुलाकात की, लेकिन सियासी गलियारों में अब इस मुलाकात के कई मायने निकलने शुरू हो चुके हैं। बता दें कि पल्लवी पटेल ने 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़कर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को करीब 12,000 वोटों से हराया था। हालांकि 2024 में उन्होंने ये गठबंधन तोड़ दिया। ये खबर हमें भेजी है हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा ने। इस खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यूपी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ। नमस्कार।